अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट मलाई बर्फ़ी। ये बनाने में बहुत ही आसान है, जिसके लिए हमने एक पैन ले लिया है। पैन को थोड़ा गर्म कर लेंगे लो फ्लेम पर। ये मैंने 1/2 किलो मावा लिया है। मावे को हाथ से मैंने क्रश कर लिया है, अच्छे से मैश कर लिया है। ये मावा ऐड कर देंगे पैन में। लो फ्लेम पर हमें मावे को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। गैस की फ्लेम आपको हाई नहीं करनी है, वरना मावा आपका नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। लो फ्लेम पर ही आपको पूरा प्रोसेस करना है बर्फ़ी का। ये मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। अगर आप पाउडर शुगर लेना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें थोड़ी बूंदे इलायची एसेंस की ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी चीनी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसमें मैं थोड़ा दूध ऐड करूँगी 2 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे। और चीनी का जो पानी छूटा है उसको हमें सुखा लेना है अच्छे से। ये देखिए, हमने पानी को सुखा लिया है। इतना गाढ़ा रखना है हमको इसको। इसमें से आधा हम निकाल लेंगे और आधा इसी में रहने देंगे मावे को। मैंने इस तरह की ट्रे ले ली है, और ये जिलेटिन पेपर ले लिया है। इसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है कुछ तो सीधा ट्रे पर भी डायरेक्ट आप घी को ग्रीस कर लें, और ट्रे को ग्रीस कर लीजिए घी से, और उसमें भी डायरेक्ट बैटर को डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें हमारे आधे मावे को डाल दिया है। थोड़ा सा टैप करेंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। और ये जो आधा मावा हमने बचा लिया था, इसमें मैं 2 टीस्पून भरकर कोको पाउडर ऐड कर दूँगी, और 2 टीस्पून इसमें दूध ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। यह हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब इस पर हमारी चॉकलेट बर्फ़ी का मावा जो हमने रेडी किया था उसको डाल देना है। अच्छे से फैला लेना है इसको चारों तरफ, हल्के हाथों से फैलाना है आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल फूड विद आफिया को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इसको हम ठंडा होने देंगे। इसको 2 घंटे के लिए हमको ठंडा होने देना है, सेट होने के लिए देना है पंखे के नीचे। जब ये पंखे के नीचे ठंडा हो जाए तब आप इसको फ्रिज में भी ठंडा कर सकते हैं। ये देखिए, 1 घंटा हमने इसको पंखे के नीचे ठंडा किया था और 1 घंटा फ्रीज में रखा था। सेट हो चुकी है हमारी बर्फ़ी, देख सकते हैं आप। 2 लेयर हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है, चॉकलेट मलाई। अब इस पर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। आप कोई भी अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर स्किप भी कर सकते हैं।
इसको हमें थोड़ा प्रेस कर देना है ताकि ड्राई फ्रूट्स चिपक जाए बर्फ़ी पर। अब मैं थोड़ा सा चांदी के वर्क से इसको डेकोरेट करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बर्फ़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। इसको कट कर लेते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसे शेप में कट कर सकते हैं। ये हमने प्योर मावे वाली बर्फ़ी बनाई है, इसलिए ये थोड़ी सॉफ्ट बनकर रेडी होती है। जो सख्त बर्फ़ी होती है वो मिल्क पाउडर से बनती है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। ये देखिए कट कर लिया है हमने बर्फ़ी को हमारी। मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी हुई है। सॉफ्ट और दानेदार दोनों बनकर रेडी हुई है और लेयर भी इसकी अच्छी से आई है। हमने मलाई की लेयर को कम रखा है और चॉकलेट की लेयर को ज़्यादा रखा है। आपको जैसे पसंद है आप वैसे रख सकते हैं। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए डिश आउट कर लिया है हमने हमारी चॉकलेट मलाई बर्फ़ी को। कितना अच्छा लुक आया है हमारी बर्फ़ी का, बिल्कुल जो हम बाहर से लेकर आते हैं वैसी, टेस्ट में भी वैसी ही है और लुक वाइज भी वैसी ही है हमारी बर्फ़ी। कितनी सॉफ्ट बनी है। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह की नई रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।